You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 5। सो टुडे इन दिस 19th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थीम, और जो थीम है वो है डिटर्मिनेशन। जी हाँ दोस्तों, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, यानी कि डिटर्मिनेशन, लगे रहना, डटे रहना, कुछ चीज की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ते जाना। तो चलिए आज के जितने भी हमारे सेगमेंट होंगे वो सभी डिटर्मिनेशन से रिलेटेड होंगे। आफ्टर ऑल द शो इज ऑल अबाउट मेकिंग यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो चलिए एकदम से जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। अगर एक नुक्कड़ पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक कचरा उठाने वाला इंसान दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स के लिस्ट में आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। सोच है ये, आपने सोच में किसको पकड़ा है। आपके माइंड में कुछ आएगा तभी तो वो चीज होगी। अगर माइंड में हिमालय नाम का पहाड़ होगा तभी तो उस पे चढ़ोगे। माइंड में हिमालय है ही नहीं तो कैसे चढ़ोगे। सोच का दायरा बदलो, जिंदगी जीने के मायने बदलो। कब तक ऐसे रोतलों के गड्ढे में गिरोगे, हर कल में आज की बुलंदी को छू लो। लोग क्या कहते हैं ये अगर हम सोचने बैठ जाएंगे तो आप कितने क्रिएटिव हैं ये किसको दिखाएंगे। तो ऐसे चुपचाप न बैठ, उठ खड़े हो और चल मेरे साथ सक्सेस के एक नई कहानी बनाने इंस्पिरेशनल विंग सीजन 5 में एवरी ट्यूजडे 9 to 10 PM, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट होगा हर बुधवार शाम 4 to 5 PM RJ दिव्या के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 19th एपिसोड ऑफ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 5। तो बात चलेगी आज डिटर्मिनेशन की, दृढ़ निश्चय की। तो दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी होगी, मॉरल स्टोरी होगी, वो भी कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड है। तो ये होगी कहानी हिंदी में। हैप्पी लिसनिंग, बात कर लेते हैं इस कहानी की जल्दी से। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक गांव होता है और वहां पे एक किसान होता है जिसके पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसके बड़े बड़े खेत हैं और काफी किसान उसके काम करते होते हैं। पर कुछ समय बाद सभी किसान काम छोड़ के चले जाते हैं, जो उसके खेत हैं वो खाली पड़ जाते हैं, कोई काम करने को नहीं है। खेत है पर कोई काम करने को है नहीं, कोई भी तैयार नहीं होता। कुछ महीने बाद वो और लोगों को इकट्ठा करता है, वो भी कुछ समय काम करते हैं और छोड़ के फिर चले जाते हैं। तो कारण ये है कि उन्हें लगता है कि वहां पे हर दूसरे दिन तूफान आता है, आंधी आती है, बहुत ज्यादा हवाएं चलती है जिससे कि फसल खराब हो जाती है, तो काम करने का फायदा ही नहीं है। तो इस टूटे मन से, या फिर यूं कहूं इस आधे अधूरे डिटर्मिनेशन से वो काम करते हैं सभी, और धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है वो खत्म होने लगता है और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ठीक है, वो जो किसान है जिसके वो खेत हैं वो बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे पास खेत तो है पर काम करने के लिए लोग नहीं है। तो वो एक शहर जाता है और वहां पे एक अखबार में जिसे टेम्पलेट है वो निकलवाता है, और वहां कहता है कि मुझे कुछ किसानों की जरूरत है अपने खेत पे काम करने के लिए। तो ठीक है, वो पढ़ते हैं और कुछ लोग आते हैं गांव में उसके पास, और काम के लिए वो कहते हैं कि ठीक है हम करेंगे काम। पर जैसे ही उन्हें पता लगता है कि उसके खेत पे काफी तूफान आता है, उस एरिया में बहुत तूफान वगैरह आता है और बहुत जल्दी फसल खराब हो जाती है, तो वो धीरे धीरे अपना जो उत्साह है, जो अपनी इच्छा है, वो खत्म कर देते हैं और छोड़ छाड़ के वापिस चले जाते हैं। पर एक दिन एक लड़का आता है जो कि दुबला पतला होता है और कहता है कि मुझे काम की जरूरत है और मैं आपके खेत में काम करूंगा। तो ठीक है, वो किसान उससे कहता है कि तुम तो हल्के से हो, पतले से हो, दुबले से हो, तो तुम कैसे करोगे। तो वो कहता है नहीं, मैं कर लूंगा और मैं बिल्कुल करूंगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो ठीक है, वो जो किसान है वो सोचता है
कि वैसे भी मुझे कोई काम करने को मिल नहीं रहा है, तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, तो सुन ही लेता हूँ कि इसकी शर्त क्या है। तो दोस्तों, वो जो व्यक्ति है, वो जो लड़का है, वो कहता है कि मेरी शर्त ये है कि मैं जब हवा चलती है मैं सोता हूँ, तो तब मुझे मत जगाना, मुझे तंग मत करना। तो दोस्तों, ये सुन के वो जो किसान है वो हंसने लगता है और मन ही मन सोचता है, अच्छा बेवकूफ है, तो ठीक है मुझे क्या है। तो ठीक है, वो काम पे जुट जाता है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, दोपहरे रात जब भी देख लो वो काम कर रहा होता है, दिल लगा के काम कर रहा होता है खेत में। और एक दिन, या यूं कहूं एक रात, बहुत तूफान आता है और ये जो किसान है जिसका ये खेत है, वो लैंटर्न लेके और एक लकड़ी लेके भागता है खेत की तरफ और देखता है कि तूफान आ रहा है। तो वो जो वो लड़का रखा होता है उसकी झोंपड़ी की ओर जाता है और उसका दरवाजा जोर जोर की खटखटाता है और कहता है कि जल्दी उठो, जल्दी उठो, तूफान आ रहा है। तो वो जो लड़का है वो अंदर से बोलता है कि शायद आपको याद नहीं है, मैंने आपको कहा था कि मेरी एक शर्त है, जब तूफान आएगा, जब हवा आएगी, तो मुझे मत जगाना। तो वो जो किसान है उसे गुस्सा तो बहुत आता है, उसका मन करता है कि उसे गोली से उड़ा दे, पर क्योंकि उसने शर्त रखी होती है तो वो कहता है इसको तो बाद में देख लूंगा, अभी मैं भाग के अपना खेत देखता हूँ। तो ठीक है, थोड़ी दूर खेत होता है तो वहां वो भागता है और वहां जाके देखता है तो कुछ और ही नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, वहां पे ना ही कोई फसल खराब हुई होती है और जो उसकी गायें बकरियां हैं वो भी बिल्कुल बंधी होती हैं और जो फसलें हैं वो बिल्कुल, जो उनकी नींव है, जो मिट्टी में नींव है, वो बहुत इतनी अच्छे से की होती है, यानी कि इतनी जोर की, यानी कि इतनी टाइट की होती है कि वो टूटती नहीं है। तूफान के आने के बावजूद भी वो जो फसलें हैं वो डटी रहती हैं और बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो चाहे प्रॉब्लम जो भी आए आप बिल्कुल कर सकते हैं और आप कर दिखाते हैं। अभी वो जो लड़का है उसने पहले ही कह दिया था कि मैं जो काम करूंगा मुझे मेरे काम पे भरोसा है और मैं काम ऐसा करूंगा कि मुझे नहीं लगता कि वो खराब होगा। तो उसने पहले ही कह दिया था कि हवा तूफान आएगा तो मुझे मत जगाना, जगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने तैयारी ऐसी की हुई थी कि तूफान आने के समय पे कुछ भी तैसे नए नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी खराब नहीं हुआ। तो दोस्तों, जिंदगी में भी आप तैयारी ऐसी कीजिए कि जब प्रॉब्लम आए, जब सिचुएशन आए, तो आप बिल्कुल तैयार हों और आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में आती है, पर अगर आप डिटर्मिंड हैं और आप लगे हुए हैं, जुट के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम जब आएगी, जब सिचुएशन आएगी, जब वो टेस्ट आएगा या फिर जब वो इम्तिहान आएगा, तो आप बिल्कुल तैयार होंगे और आप उसे पार कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी और आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई कहानी डिटर्मिनेशन को लेके, दृढ़ निश्चय को लेके, तो जरूर शेयर कीजिए। अभी के लिए लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर आप बिल्कुल बने रहिए, बिकॉज दिस इंस्पिरेशनल राइड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हैप्पी लिसनिंग, यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग्स विद दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे डिटर्मिन्ड। खेलता
है दर्द कितने झेलता है सोचता तू और कुछ है और कुछ तू बोलता है अपने गम से खेलता है दर्द कितने झेलता है सोचता तू और कुछ है और कुछ तू बोलता है अपने दिल को तू मना ले बीच का पर्दा उठा ले आजमा ले आजमा ले आजमा ले आज खुद को आजमा ले फिरता है कब से ये दिल संभाले बोलिए लब पे रुके हैं तेरे सजदे में झुके हैं पल पल बिखरे हैं कितने उजाले कश को छोड़ दे तू रुख हवा का मोड़ दे तू खाली पैमाना है तेरा हो सके तो तोड़ दे तू कश्मकश को छोड़ दे तू रुख हवा का मोड़ दे तू खाली पैमाना है तेरा हो सके तो तोड़ दे तू एक नई महफिल सजा ले बीच का पर्दा उठा ले चैन दिल का ढूंढता है अपनी किस्मत को जगा ले बीच का पर्दा उठा ले आजमा ले आजमा ले आजमा ले आज खुद को आजमा ले फिरता है कब से ये दिल संभाले बोलिए लब पे रुके हैं तेरे सजदे में झुके हैं पल पल बिखरे Radio Udaan, a flavor of life. www.radioudaan.com तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ एन इंस्पिरेशनल पेज. जी हाँ दोस्तों, ये एक पन्ना है जो कि किसी जिंदगी के किसी असली व्यक्ति की रियल लाइफ, जो मतलब रियल व्यक्ति है, रियल हीरो है, अनसंग हीरो है, तो उसकी लाइफ का एक पन्ना है. तो ये जो व्यक्ति है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही इंस्पायरिंग, कह सकते हैं कि एक इंस्पायरिंग पेज है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. और उसकी डिटर्मिनेशन ही है जो उसे बिल्कुल अलग बनाती है और उसे इतना आगे लेके जा रही है. तो दोस्तों, दिस इज एन इंस्पिरेशनल पेज ऑफ एन इंडियन साइकिलिस्ट एंड आर टीचर बोर्न विदाउट फुल आर्म्स, और यू कैन से विदाउट हैंड्स. यस फ्रेंड्स, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि एक साइकिलिस्ट है और साथ साथ आर्ट टीचर भी है, और उसकी जो बाजू है वो नहीं है. जी हाँ दोस्तों, द साइकिलिस्ट एंथुजियास्टिक वाज इंस्पायर्ड टू बाय हिज ओन बाइक आफ्टर वॉचिंग द 2012 ओलंपिक्स ऑन टेलीविजन एंड स्टार्टेड पेडलिंग इन हिज नेटिव टाउन ऑफ पतरन इन पंजाब. ये दोस्तों पतरन का ये व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये पंजाब में जगह है. और पतरन की बात करूं तो पतरन कुछ किलोमीटर दूर है पटियाला से. तो पतरन का ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम है जगविंदर सिंह. जी हाँ दोस्तों, जगविंदर सिंह इज अ साइकिलिस्ट, सक्सेसफुल इंडियन साइकिलिस्ट
who is an art teacher and he does not have arms. Ji haan dosto, Jagvinder hopes to win a gold medal at the Olympics. Aur ji haan dosto, jo Jagvinder hai wo bachpan se jab uski behan cycle chalati thi to use lagta tha ki wo bhi chala sakta hai, to wo usne chalana shuru kiya aur baar baar gira aur baar baar utha aur uske baad dheere dheere usko dilchaspi hone lagi aur cycle chalane ki ek hunar usne khud develop kiya thode thode areas mein aur jald hi jagah jagah pe jaake competitions mein hissa liya, alag alag states mein use awards diye gaye. To dosto ye jo Jagvinder hai usne un logo ke sath bhi race ki jinko matlab jinki arms jinki bajuen bilkul theek hain aur unhe bhi bilkul pichhad diya, matlab unhe piche chhod diya. To Jagvinder Olympics mein jana chahte hain aur aksar hamesha se jab se wo cycling chalana unhone shuru kiya hai to unhe bilkul bhi zyada unhe aisa nahi lagta ki unme koi kami hai, unhe acha lagta hai, wo chalate hain cycle aur uska wo shrey apni mata ko aur apne pitaji ko dete hain aur maa ko specially kyunki unki maa wo kehte hain ki unki maa ne unpe kabhi bhi vishwas nahi choda. Par dosto Jagvinder ki dono bajue nahi hain, fir bhi unhone socha ki wo cycling kar sakte hain aur cycling hi nahi wo saath ke body building bhi karte hain jisse ki yani ki workout karte hain jisse ki unki strength bani rahe aur cycle pe bahut tezi ki speed se wo jate hain aur unhe super singh bhi kaha jata hai. Ji haan dosto, ek Amritsar mein program hua tha jahan pe wo unhone ek award hasil kiya tha aur uske baad unhe super singh bhi kehne lage aur national award bhi inhe mil chuka hai Jagvinder Singh ko. So Jagvinder Singh from Patran in Punjab near Patiala is a true hero. Wo bajue na hote hue bhi wo cycle chalate hain bahut tezi se aur school mein art teacher bhi hain, painting sikhate hain wo bachcho ko aur unka manna hai aur kehna hai ki unhe dekh ke log bahut inspire hote hain, khush hote hain, wo apni zindagi ko aur bhi positive way se dekhte hain. To dosto, Jagvinder Singh deserves a salute from Inspirational Wings and of course our Radio Udaan team. To dosto, Jagvinder Singh ki bajue na hote hue bhi unhone kabhi hausla nahi khoya aur wo hamesha aage badhte chale gaye aur aaj wo bahut hi zyada popular hain Punjab mein hi nahi, India mein nahi balki India se bahar bhi unhe mana jata hai, jana jata hai unke cycling ke hunar ko dekhte hue. Ji haan dosto, without arms he is an amazing cyclist, Indian cyclist and a national awardee, and especially he is an aspirant of Olympics. He wants to fetch an award for the country. To dosto, mera yani ki Divya Sharma ka bahut bada salute Jagvinder ko. Ji, agar aap aur jana chahte hain Jagvinder ke bare mein, bilkul google kijiye, there are stories jo ki Jagvinder ke bare mein sab kuch aapko bata dengi. To chaliye dosto, I think this is an inspirational page jo ki shayad hum sabhi ko सुन के जान के अच्छा लगा होगा. तो कैसा लगा आपको आज का ये इंस्पिरेशनल पेज जरूर बताइएगा मुझे. अगर आपके पास भी है कोई रियल लाइफ हीरो की स्टोरी, डू शेयर विद मी, आई विल डेफिनेटली मेक इट पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड. तो अभी के लिए ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक. अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, स्टे डिटरमिंड. एंड यस, इस कहानी में भी जगविंदर ने कभी डिटर्मिनेशन नहीं खोई. उनका दृढ़ निश्चय जो था वो उन्हें बिल्कुल अलग बनाता है, बिल्कुल आगे लेके जा रहा है और लेता जाएगा. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. Yeah.
Radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. तो दोस्तों, जैसे कि शुरू में मैंने बताया, आज की हमारी थीम है डिटर्मिनेशन। तो चलिए अब इस सेगमेंट में, यानी कि सेगमेंट ऑफ थॉट्स, क्यूट्स, लाइंस, सेइंग्स एंड वर्ड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थॉट्स रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, लेट अस मूव फर्दर टूवर्ड्स दीज थॉट्स। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव। द फर्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, a determined person will do more with a pen and paper than a lazy person will accomplish with a personal computer. जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का व्यंग है, मतलब एक तरीके का किसी के ऊपर ये ताना मारा गया, किसी को टॉन्ट मारा गया कि एक जो determined person है वो एक कागज और कलम पेन से इतना कर सकता है जितना कि एक व्यक्ति जो कि बहुत लेजी है, जो कि बहुत ज्यादा लेजी पन दिखाता है, वो पर्सनल कंप्यूटर के साथ भी नहीं कर सकता। यानी कि किसके पास कंप्यूटर है, सब कुछ है, पर वो लेजी है, तो वो शायद इतना नहीं कर पाएगा जितना कि एक डिटर्मिंड पर्सन एक पेंसिल पेन या फिर कागज के साथ कर दिखाएगा। सो अ डिटर्मिंड पर्सन विल डू मोर विद पेन एंड पेपर देन अ लेजी पर्सन विल अकम्प्लिश विद अ पर्सनल कंप्यूटर। तो चलिए, द सेकेंड थॉट फॉर द इवनिंग इज, ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल things you see when you take your eyes off your goal. जी हाँ दोस्तों, जो determined लोग हैं वो अपने goal पे डटे रहते हैं कि ठीक है हमें ये पाना है तो हमें यही पाना है, पर कोई व्यक्ति जो अपने goal से भटक जाता है तो उसको problems ही दिखती हैं. So obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. जब आप अपने goal से भटक जाते हैं, जब आपका जो vision है वो आपके पर्पस से हट जाती है, तो आपको प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं। तो चलिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप गोल की तरफ डिटर्मिंड है, लगे हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स बीच में जो आएंगी वो भी दिखाई नहीं देंगी। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपेरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कोई सीक्रेट नहीं है कि कोई सक्सेसफुल कैसे होगा। एक जो साफ चीज है वो यही है कि देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, जो सक्सेस पाना चाहता है उसे बस तीन चार चीजों की जरूरत है, यानी कि इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपेरेशन, की तैयारी, हार्डवर्क मतलब कितना आप हार्डवर्क करते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर, और हार से कितना सीखते हैं। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, विलिंगनेस इज असेंशियल इन एनी इनिशिएशन और इन मेकिंग एनी ड्रीम कम ट्रू। जी हाँ दोस्तों, जो विलिंगनेस है वो एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है किसी भी चीज की शुरुआत का, तभी आप वो ड्रीम पा सकते हैं। अगर कोई शुरुआत ही नहीं होगी, आप में विलिंगनेस ही नहीं, आप में वो विल ही नहीं है कि आप करें, तो आप कुछ पा ही नहीं सकते। सो विलिंगनेस इज असेंशियल इन एन इनिशिएशन और इन मेकिंग एनी ड्रीम कम ट्रू। अगर कोई चीज की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो वो पहले चाह होनी चाहिए, चाह नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए, पीपल डू नॉट लैक स्ट्रेंथ, दे लैक विल। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेंथ हम सभी में है, हम सभी में ताकत है, हम सभी में वो हिम्मत है, पर जो हम में से कई लोगों में नहीं है वो है एक विल होना, एक चाह होना, एक बिल्कुल जुनून होना। विल तो विल होना जरूरी है, स्ट्रेंथ तो हम सभी में ही है। सो पीपल डू नॉट लैक स्ट्रेंथ, दे लैक विल। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, द वर्ल्ड मेक्स वे फॉर द मैन हु नोज वेयर ही इज गोइंग। जी हाँ दोस्तों, दुनिया उन्हीं के लिए रास्ता बनाती है जिन्हें पता है कि उन्हें जाना कहाँ है। अगर आपको पता ही नहीं आपने बनना क्या है और आप मेहनत करते जा रहे हैं, तो शायद आप भटक जाएंगे, दुनिया भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। पर अगर आपको पता है आपने कहाँ जाना है और आप बिल्कुल डटे हुए हैं, डिटर्मिंड है, तो शायद दुनिया आपको आगे बढ़ने दे। सो द वर्ल्ड मेक्स वे फॉर द मैन हु नोज वेयर ही इज गोइंग। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, विल इज करेक्टर इन एक्शन। जी हाँ दोस्तों, जो विल है, चाह है, वो है एक करेक्टर इन एक्शन, की एक व्यक्ति काम में लगा हुआ है, वो होती है चाह। So will is character
इन एक्शन। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। या जो फ्यूचर है वो उन्हीं का होता है जो अपनी ड्रीम में, अपने सपनों में बिल्कुल अपनी ब्यूटी, एक सुंदरता ढूंढते हैं। सो द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जिनको सुंदरता दिखती है अपने सपनों में और वो सपनों के लिए लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो उन्हें ही फ्यूचर मिलता है। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ द चॉइसेस वी मेक, नॉट द सर्कमस्टांसेस दैट वी फेस। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन थॉट कि जो हम हैं वो किसका नतीजा है, अपने अपनी चॉइसेस का, जो हम चॉइसेस बनाते हैं, ना कि जो सर्कमस्टांसेस, जो हालात हमें फेस करने पड़ते हैं। सो वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ द चॉइसेस वी मेक, नॉट द सर्कमस्टांसेस दैट वी फेस। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, वेल ये थॉट है लास्ट थॉट और इसका मतलब भी बिल्कुल अनोखा है, प्रोकेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, प्रोकेस्टिनेशन यानी कि कोई चीज को आप आने वाले समय पे डाली जाए कि नहीं अभी नहीं, मैं रात को करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं अगले हफ्ते करूंगा, मैं अगले महीने करूंगा, तो वो होता है प्रोकेस्टिनेशन। सो प्रोकेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, मतलब प्रोकेस्टिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो एक चोर है जो कि आपका समय चुराई जा रहा है। सो डोंट गिव प्लेस टू प्रोकेस्टिनेशन इन योर लाइफ बिकॉज इट इज द थीफ ऑफ टाइम। तो दोस्तों, दीज वर अ फ्यू ब्यूटिफुल थॉट्स रिलेटेड टू अवर थीम दैट इज डिटर्मिनेशन। तो कैसे लगे आज के आपको थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई थॉट्स, डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट। अभी के लिए ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पास। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव।
www.radioudaan.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ टिप्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेगमेंट है वो बहुत से लिसनर का फेवरेट सेगमेंट है। तो चलिए, आज जो टिप्स हैं वो है रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन। कैसे अपनी जिंदगी में डिटर्मिनेशन लाएं, कैसे दृढ़ निश्चय को अपनी जिंदगी में जगह दें। तो चलिए, हाउ टू बूस्ट योर डिटर्मिनेशन। सो दीज टिप्स आर गोइंग टू हेल्प यू बूस्ट योर डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ। तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards these six English tips. The first tip for the evening is, make the decision to be determined. Yes friends, if you want to bring determination in your life, if you want that drid nishche becomes a part of your life, then you first have to make a decision. Once you have decided that you will be determined towards something, some purpose, then you will definitely bring out the way outs for that direction. The point is, if you are not taking any decision, if you are not deciding that you have to be determined, then you cannot do anything about it. Once you have to decide about something, and only then you can do something or anything about it. So make the decision to be determined. The second tip for the evening is, discover your why. W-H-Y. Discover your why. Yes friends, the second tip is, once you know that you are determined, you have to be determined, then you have to find out why you have to be determined about a specific thing. For example, if you want to become a great dancer, then you have to find out why you want to become a great dancer. Once you find out the why of your determination, you will definitely end up with more enthusiasm, energy and positivity towards it. Believe me, you need to discover your why, because if you are just determined about something for saying sake, then you might not be able to get the results. So discover your why, and then you will definitely be able to work on your things or any task in a more effective manner. So discover your why of your determination. The third tip for the evening is, don't fear. Yes friends, don't fear. It is the biggest killer of any determination. Yeah, no matter how determined you want to be or how hard you are trying to be determined, if you are giving place to fear in your life, then you won't be able to be determined. So if you want determination to be in your life, make sure you are not allowing fear to take place in your days. Make sure you are not fearful about anything. Don't fear anything. It is the biggest killer of any determination. If you will fear that you might lose, then you won't try that hard. If you will fear that you might fail at a test, you might not give your 200%. The point is, keep fear at a back seat and then prepare for something, and your determination will thrive like anything. The fourth tip for the evening is, control your stress. Yes friends, controlling stress is another key towards determined life. If you want determination, then you need to lessen your stress levels. You need to control your stress, because if you are stressed, you will be negative, and if you will be negative, your determination will definitely waver. Your determination will get weaker. So stress is something that will weaken your determination. So control your stress for a determined life. The fifth tip for the evening is, encourage yourself. Yes friends, sometimes all you need to do is encourage yourself. You need to encourage yourself at every step of life. If you're not encouraging yourself, you won't be able to attain the heights you want to attain. You won't be able to determined to get something. Even if you are feeling low, make sure you are encouraging yourself, and you will be determined for better results. Your determination will go nowhere in the presence of encouragement. So encourage yourself. No matter if anybody encourages you or not, you have to encourage yourself. So chaliye, sixth and the last tip for the evening is,
Well, the tip is fight with positive thoughts. Yes, friends, this is something that has always been talked about, that has always found place on this list of tips in this show, Inspirational Wings. Well, today, again, we have positivity on our list. Fight with positive thoughts. If you really want that you fight your weak moments or your fear or any situation that is not favorable for you, then you need to fight with positive thoughts. No matter how many negative thoughts are there, how much negativity is there, if you are fighting it with positive thoughts, you will never be failed. You will never be set back. Believe me, you need to fight everything with positive thoughts, and your determination will never go in vain. You will be determined, and your determination will never get weak. The point is, fight every situation with positive thought. If you are stuck in a situation, make sure you are thinking about it in a positive way. You are taking it in a positive way, and you will, in this way, won't allow it to overpower it, and your determination will not at all waver at all. So believe me, these 6 tips are going to help you to bring determination in your life. These will boost determination in your life. Try them out in your life, and if you find any results, don't forget to thank me and of course the show. But yes, if you have any views, ideas, suggestions or any other tips you want to share with me, go ahead. This is a place for you, with you and from you. So chaliye abhi ke liye le lete hain choti si break, but I'll be right back with the remaining segments. Happy listening, stay tuned, stay positive and stay determined. Thank you.
शहर का घर मोरी दुनिया रज तो से चुन चुन खाइयो मां घर का घर मोरी दुनिया रज तो से चुन चुन खाइयो मां रजिया रे खाइयो ना तो ने नमो खाइयो ना तो ने नमो पिया के मिलंगिया खाइयो ना तो ने नमो रे खाइयो ना तो ने नमो पिया के मिलंगिया nada Radio U, a flight of life. www.radioudaan.com तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 19th episode of Inspirational Wings. So today the theme was determination, दृढ़ निश्चय, कि डटे रहना, लगे रहना, जुटे रहना, करते रहना. तो दोस्तों, डिटर्मिनेशन की आज हमने बात की, और सभी सेगमेंट, चाहे वो कहानी हो, एन इंस्पिरेशनल पेज हो, या फिर वो थॉट्स हो या टिप्स हो, सभी का लेना देना डिटर्मिनेशन से था. तो कैसा लगा आज का आपको ये एपिसोड, जरूर लिख भेजिए हमें. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com और फेसबुक पर भी आप हमें पा सकते हैं. हमारा यूआरएल है www.facebook.com/radioudaan. साथ ही ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIO UDAAN. यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल, अवर ईमेल आईडी इज mail@radioudaan.com. और जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ यानी कि दिव्या शर्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, माय ईमेल आईडी इज divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com. साथ ही आप मुझे स्काइप पे भी अपने फीडबैक, आइडियाज, व्यूज, सजेशंस भेज सकते हैं. मेरा जो आईडी है, स्काइप आईडी है, वो है divya31s divya31s. तो चलिए, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि ट्यूसडे 9-10 PM एंड वेनसडे 4-5 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, यानी कि दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. मिलूंगी नेक्स्ट वीक विद अनदर एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक एपिसोड ऑफ इंस्पिरेशनल विंग्स विद अ न्यू थीम. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे डिटरमिन्ड. तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, हे नबी तू बुलाता है. तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है. तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद.
न जाऊंगा खाली। जाए जवानी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। Jai Zai